बेसिकली सभी प्रकार के जॉब दिलाए जाते हैं। ये देखिए कोई शॉप है, चाहे दुकानदार है, कोई बिजनेसमैन है, कोई कंपनी है, कोई ऑफिस है, जो रहता है वो सिर्फ लड़के के लिए रहता है या लड़कियां भी कर सकते? 3 महीने की वैलिडिटी में हम तब तक आपको मतलब आगे भेजेंगे, इंटरव्यू कराएंगे, जब तक आपका कहीं भी सिलेक्शन ना हो जाए। रूम रेंट पे लेना चाहते हैं तो रूम भी मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियो के अंदर स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं गोरखपुर में जॉब करना, या तो आप ढूंढ रहे हैं, बाहर से आए हुए हैं, नौकरी करते हैं या रूम वगैरह ढूंढ रहे हैं, तो अभी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो में स्पेशली आप लोगों के लिए यही लेकर आए हैं। यदि आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से जॉब भी पा सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको रूम की तलाश है, रेंट पे रूम लेना चाहते हैं, तो रूम का भी पूरा सर्विस मिलने वाला है। तीनों जने वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अभी हम आपको लेकर आ गए हैं उत्तर प्रदेश, आधा घंटा टाइम मांगे, बसारतपुर में, जहाँ पर आपको मीडिएटर मीडिया नाम से आपको एक बोर्ड दिखेगा, तो आपको यहीं पे एंट्री करना है। इनकी खुद की ऑफिस आपको बसारतपुर में देखने को मिल जाने वाली है और यहाँ पे आपको टूलेट सर्विस टोटल दिया जाता है। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ के ऑनर शैलेश जी को बुलाते हैं, वो सारी जानकारी आपको देंगे कि कैसे आप जॉब यहाँ से पा सकते हैं, या तो रूम रेंट लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं, और भी क्या क्या फैसिलिटी आपको गोरखपुर के अंदर देखने को मिलने वाली है, सारी जानकारी बताएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद है मीडिएटर मीडिया से शैलेश भाई। हेलो भैया, बहुत बढ़िया, क्या हाल है? बहुत बढ़िया है, अपना बताइए। अपना भी सब बढ़िया है शैलेश भाई। और ये बताइए कि मीडिएटर मीडिया है क्या, क्या चीज है ये गोरखपुर? मीडिएटर मीडिया एक ऑफिस गोरखपुर में खोला गया है, जहाँ पे आप लोगों को जॉब और रेंट पे रूम लेना चाहते हैं तो वो भी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे। हाँ। और इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी, रूम रेंट हो गया, जॉब हो गया, और भी कुछ इसके अंदर फैसिलिटी है क्या? हाँ, अभी नई चीजें हमने एड ऑन किया है, जैसे किसी प्रकार का लोन चाहिए, चाहे इंश्योरेंस कराना, चाहे GST, ITR, मतलब अगर बिजनेस खोलना चाहते हैं तो उसका A to Z सारा चीज मिलेगा। अच्छा, लोन चाहिए, चाहे कोई बिजनेस का लाइसेंस बनवाना है, तो सारी फैसिलिटी अभी हमारे यहाँ आ चुकी है, तो वो भी आप लोग सुविधा ले सकते हैं। और इतना सस्ता रेट कि आप लोग पूरे मतलब इंडिया में खोजेंगे तो भी नहीं मिलेगा। अच्छा, इतना सस्ते रेट में, क्या बात है। तो वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। दौड़ भाग जो कर रहे थे आप लोग अभी तक जॉब की तलाश, रूम रेंट की तलाश, तो आपकी ये सारी जो तलाश है वो पूरी होने वाली है इस वीडियो से। अच्छा, पहले यहाँ का एड्रेस बताइए, फिर हम जानकारी लेते हैं। एड्रेस की बात करें तो ये मेडिकल कॉलेज वाले रोड पे जी, एचएन सिंह चौराहा पड़ेगा, खजांची के थोड़ा सा पहले पड़ेगा, उसमें की तरफ। वहाँ से 500 मीटर हड़ावा फाटक वाले रोड पे आना है, यहाँ पे जॉर्ज बिरयानी है, हड़ावा फाटक मतलब ट्रांसफार्मर चौराहा है, वहीं पे हमारी ऑफिस होने वाली है। अधिक जानकारी लेना तो डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ पे लोकेशन का लिंक पड़ा है, क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आके विजिट। जॉब की बात की जाए शैलेश जी, तो आपके यहाँ कौन कौन से जॉब मीडिएटर मीडिया में दिए जाते हैं? हमारे यहाँ बेसिकली सभी प्रकार के जॉब दिलाए जाते हैं। जैसे बेसिकली ये जॉब, बहुत सारे लोग कहेंगे कि कहाँ से जॉब, तो जाइए देखिए, कोई शॉप है, चाहे दुकानदार है, कोई बिजनेसमैन है, कोई कंपनी है, कोई ऑफिस है, सबके यहाँ स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो लोग कहीं मार्केट में जाके लोगों को नहीं खोजेंगे कि हमारे यहाँ स्टाफ चाहिए, तो वो लोग एजेंसी को बोल देते हैं कि हमारे यहाँ स्टाफ चाहिए, और हमारे यहाँ से भी लोग जाते हैं मार्केट में, ढूंढ ढूंढ के जॉब्स लाते हैं, वैकेंसी लाते हैं, उसके बाद यहाँ एकत्रित करके सारे जॉब लोगों को दिखाए जाते हैं, और अलग अलग जगहों पे जहाँ जहाँ जिसको जाना होता है वहाँ पे भेजा जाता है। अच्छा, जो आपने बात किया कि सारे जॉब दिखाए जाते हैं, ये जॉब कहाँ देखने को मिलेगा? जॉब ये जो आप लोगों को वहाँ पे व्हाट्सएप दिख रहा है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आप लोगों को सारा जॉब हमारे व्हाट्सएप पे देखने को मिलेगा। वहीं पे हमारे ग्रुप का लिंक, चैनल का लिंक सारा है, उस पे क्लिक करेंगे चैनल पे, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी व्हाट्सएप चैनल पे, और ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए नए जानकारी जॉब की लेने के लिए। क्या जो हमारे व्यूअर यहाँ पे विजिट कर रहे हैं जॉब के लिए वो इच्छुक है, तो क्या उनसे पैसा भी लिया जाता है मीडिएटर मीडिया से, कैसे क्या प्रोसेस रहता है उसका? अच्छा, ये बहुत सही बात पूछा आपने, पैसा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन पैसे देकर के इधर उधर फ्रॉड के चक्कर में फंस जाते हैं। तो देखिए, हम हैं चाहे आप हैं, हमने ऑफिस डाला हुआ है, ऑफिस का रेंट देना है, आदमी लगाते हैं जो जाके मार्केट में घूमते हैं, तो वो उन लोगों को पैसा देना होता है, तो सबको मैनेज करना होता है, तो पैसा हम 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, हम कहते हैं ये भी पैसा हमको मत दीजिए आप, जैसे हमारे यहाँ से स्टाफ जाते हैं मार्केट में घूमते हैं, 100 जगह जाते हैं तो 2-4 वैकेंसी मिल जाती है, तो वैसे आप एक दिन निकलिए, 10 जगह जाइए, 20 जगह जाइए, 30 जगह जाइए, 50 जगह जाइए, आप घूम के मार्केट में खुद ही जॉब देख सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं भाई, कहीं ना कहीं से तो आपको सहायता लेना पड़ेगा जॉब के लिए। अच्छा, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमको अपना खुद का पसंदीदा जॉब मिल पाए। हाँ, कि हम इस तरह का जॉब करना चाहते हैं, तो क्या पसंदीदा जॉब देंगे या
कि किस प्रकार से कैसे क्या रहेगा वो पसंदीदा। जब देखिए आगे से जो वैकेंसी आती है वही वैकेंसी हम देते हैं। अच्छा, अब अपने पास से हम कोई वैकेंसी पैदा नहीं करते हैं, ठीक है? तो जो भी वैकेंसी अपडेटिंग जो है वो मिलता है। हाँ, नए नए वैकेंसी ये है आते रहते हैं। और अभी हमारा जो अभी ऑफिस है अभी काम कर रहा है यहाँ पे गोरखपुर में चल रहा है, अभी और सारे सिटीज में और सारे स्टेट में भी यहाँ से जॉब के लिए अदर सिटी में भी भेजा जाएगा, जो लोग जाके वहाँ पे भी काम कर सकते हैं अलग अलग जगहों पे। अच्छा, जॉब जो रहता है वो सिर्फ लड़के के लिए रहता है या लड़कियाँ भी कर सकती हैं? नहीं देखिए, कोई भी कंपनी है चाहे संस्था है चाहे बिजनेस है, वहाँ पे सभी प्रकार के लोग रहते हैं, लेडीज भी रहते हैं जेंट्स भी रहते हैं। अच्छा, तो वहाँ पे जरूरत होती है तो जैसे लोग आगे से बोलते हैं हमें लेडीज चाहिए या फिर बॉयज चाहिए, तो वो मतलब उसी तरीके से भेजा जो रिक्वायरमेंट आगे से आती है। ठीक है, ये तो जॉब की बात हो गई। आते हैं रूम रेंट पे, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं बाहर से आते हैं यहाँ पे रहने के लिए, या तो जो लोग नौकरी करते हैं वो यहाँ पे रुकते हैं लेकिन रूम रेंट तलाश करते हैं इधर उधर भाग दौड़ के, उनके लिए क्या आपके यहाँ से सुविधा है? उनके लिए भी सुविधा है, रूम रेंट पे लेना चाहते हैं तो रूम भी मिल जाएगा। हालांकि जो स्टूडेंट होते हैं वो तो कहीं ना कहीं से खोज लेते हैं अपना, तो हमारा ज्यादा फोकस होता है ऑफिस के लिए, फैमिली के लिए, अच्छा दुकान के लिए, तो इस प्रकार के मतलब मकान वगैरह चाहे रूम वगैरह दिखाने का ज्यादा प्रोसेस होता है। क्योंकि जो लड़के होते हैं मान लीजिए हमारे यहाँ 200-300 रुपये का चार्ज होता है, तो लोगों को लगता है भाई चार्ज लेके फ्रॉड कर रहे हैं हमारे साथ जब पैसा लेते हैं। तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट को भले वैसे ही पैसा नहीं रहता है, तो स्टूडेंट के लिए अभी फिलहाल नहीं काम कर रहे हैं। कभी कभार आता है तो वो भी डाल दिया जाता है, अपडेट कर दिया जाता है ग्रुप में, अगर आता है तो वो लोग भी ले सकते हैं। अच्छा, जैसा आपने बोला कि 500 रुपया लेकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्या गारंटी है कि 500 रुपया उन्होंने दे दिया, रजिस्ट्रेशन करा लिया और आप जॉब दे ही देंगे? हाँ, बिल्कुल सही बात बोला आपने। 500 रुपये का जैसे रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो आगे हम भेजते हैं वहाँ पे और 3 महीने की वैलिडिटी होती है। अच्छा, 3 महीने की वैलिडिटी में हम तब तक आपको मतलब आगे भेजेंगे, इंटरव्यू कराएंगे, जब तक आपका कहीं पे सिलेक्शन ना हो जाए तब तक हम 3 महीने तक आपको भेजेंगे वहाँ पे इंटरव्यू के लिए। बाय चांस सिलेक्शन भी नहीं हो पा रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा 3 महीने में, देखिए अगर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो आपके अंदर कमी हो सकती है जी। अगर हम आप लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि कहीं ना कहीं जॉब दिला दिया जाए? हाँ, जॉब हमारे तरफ से देखिए पूरा प्रयास रहता है कि कोई भी यहाँ पे आया तो हम कहते हैं भाई आपको यहाँ से जैसे भेजा जा रहा है आप वहाँ पे जाइए। इंटरव्यू में क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं हुआ, हमें कॉल करके आप बताइए। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप बताइए कि भैया दूसरे जगह लगवा दीजिए, अगर सिलेक्शन हो गया तो बहुत बढ़िया है, आप काम करिए और अगर फ्रेशर है तो एक्सपीरियंस लीजिए। क्योंकि देखिए अगर कोई भी काम कर रहा है, हर कोई फ्रेशर ही रहता है, धीरे धीरे काम करके एक्सपीरियंस होता है, तो पहले आप शुरुआत करिए, कहीं ना कहीं काम शुरू करिए, उसके बाद जैसे आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता जाएगा आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी और एक तरीके से आप बड़े लेवल पे जा सकते हैं एक्सपीरियंस लेकर। अच्छा, जो रूम रेंट बता रहे हैं उसका लोकेशन क्या क्या रहता है, किस लोकेशन? अभी तो गोरखपुर में अभी काम हो रहा है, तो गोरखपुर में जहाँ जहाँ पे होता है, जहाँ जहाँ से आता है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास मकान है चाहे कमरा खाली है, तो वो लोग बोलते हैं कि हमारा कमरा है मतलब उठवाना है चाहे किसी और को दिलवा दीजिए, तो उसे चार्ज एक ही बार लिया जाता है ना? एक ही बार? हाँ, उसमें एक ही बार चार्ज लिया जाता है। ठीक है, ये हो गया रूम रेंट की बात होगी, ये जॉब की बात होती है। आते हैं बिजनेस के लिए, जैसा कि आपने बताया कि बिजनेस से रिलेटेड भी टोटली सपोर्ट किया जाता है आपकी तरफ से। कोई फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसमें क्या क्या सपोर्ट आप करते हैं? बिजनेस स्टार्ट में देखिए लाइसेंस चाहिए होता है, तो किसी भी प्रकार की बिजनेस के लिए लाइसेंस चाहिए जी। आपको GST चाहिए, चाहे आपका बिजनेस जो रजिस्ट्रेशन कराना है उसका तो वो भी है, ITR अगर बनवाना चाहते हैं तो ITR जरूर, अगर देखिए 2-3 साल का अगर ITR बनवा लेते हैं तो लोन आसानी से मिल जाएगा। GST आपके पास है तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है अगर बिजनेस में, ये लीगल सारी चीज़ें हैं आपको कराना भी बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें अगर ये सारी चीज़ें हैं आपके पास तो लीगल तरीके से आप काम कर सकते हैं, किसी प्रकार का डर नहीं रहता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये भी काम अगर लोन किसी भी प्रकार का चाहिए आपको, बाइक व्हीकल लोन लेना चाहते हैं, चाहे पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, होम लोन लेना चाहते हैं, किसी प्रकार का लोन लेना चाहते हैं, तो वो भी हमारे यहाँ सुविधा ऐड ऑन हो गया है, वो भी आप लोग सुविधाएं ले सकते हैं। और बहुत सारी सुविधाएं हैं ऑनलाइन से रिलेटेड, जो भी सुविधा आप लेना चाहते हैं वो सारा यहाँ पे उपलब्ध मिल जाने वाला है। आप लोग बस जो भी आपको सुविधा चाहिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। हो सकता है आप लोग कॉल करें तो कभी कॉल पिकअप ना हो पाए, तो डोंट माइंड, आप लोग मैसेज कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे कॉल आते रहते हैं पिकअप नहीं होता बहुत सारे कॉल जी जी। तो आप लोग इसे सीरियस मत लीजिए कि मतलब कॉल नहीं उठ रहा है, तो आप लोग मैसेज कर दीजिए, जब भी टाइम मिलेगा आप लोगों को रिस्पांस दे दिया जाएगा। बिल्कुल, हमें लगा कि ये सारी चीजें आप तक दिखानी चाहिए, आप तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि हमारे जो भी गोरखपुर के युवा भाई हैं या तो
जो लेडीज हैं वो लोग काम करना चाहते हैं कहीं ना कहीं, तो उनको एक काम की भी जो जरूरत है वो भी पूरी हो जाए, और साथ ही साथ जो लोग रूम रेंट की तलाश कर रहे हैं उनको भी वो चीजें जरूरत जो है उनकी पूरी हो सके। बाकी यदि यहाँ पे विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया गया है, स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा, आप कॉल करके किसी भी टाइम, कॉलिंग का टाइम एक बार बता दीजिए आप। कॉलिंग टाइम की बात करें तो 10 बजे से लेके 6-7 बजे तक कॉल कर सकते हैं जी। अगर कॉल पिकअप नहीं हो रहा है तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। बिल्कुल, तो दोस्तों जैसा बताया है सरेश भाई वैसा आप लोग करिएगा। फिलहाल यदि ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि जो भी हमारे युवा भाई तलाश कर रहे हैं जॉब का उन तक ये वीडियो जाएगा तो कम से कम एक मदद हो पाएगी। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। नमस्ते दोस्तों।